तो फिलहाल Xiaomi ने अपने Redmi Note 9 सीरीज़ के सारी फ़ोन की लॉन्च कंप्लीट कर ली है। अब बारी है Redmi Note 10 सीरीज़ जो कि अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है इसकी न्यूज़। तो गैस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में कि क्या कुछ नया देखने को मिलेगा या नहीं। तो हेलो गैस, मेरा नाम है क्रिस और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ Redmi Note 10 सीरीज़ में एक बड़ी जंप देखने को मिलने वाली है जो कि है 5G सपोर्ट। मतलब हम अब 20,000 के बजट सेगमेंट में 5G स्पीड की मज़े ले सकते हैं। नेक्स्ट अपग्रेड की बात करें तो गाइस, Redmi Note 10 सीरीज़ में आपको परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा मिलने वाली है। Redmi Note 9 ने पहले ही जंप कर लिया है स्नैपड्रैगन 720G चिप पे, तो Redmi Note 10 सीरीज़ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलने वाला है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ इक्विप्ड होगी। और रूमर्स के हिसाब से ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो सकती है जल्दी, जो कि तीन फ़ोन लॉन्च करेगी, Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G और Redmi Note 10 Pro 5G। तो अब डिस्प्ले की बात करें तो हमें हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन देखने को मिलने वाली है और अकॉर्डिंग टू द लीक्स हमें एक पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन और सर्कुलर क्वाड रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और इसके साथ 5000 mAh बैटरी विद फास्ट न्यू चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलने वाली है। और एक न्यूज़ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो है कि Redmi Note 10 सीरीज़ रिब्रांडिंग हो सकती है Xiaomi Mi 10 Lite 5G की। यार मुझे समझ नहीं आता ये लोग फ़ोन बनाते ही क्यों हैं जब इनको रिब्रांडिंग ही करना रहता है। वैसे ये फ़ोन बस एक रूमर्स है, देखते हैं हमें Xiaomi की तरफ से ये फ़ोन इंडिया में कब देखने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मेरे तरफ से गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।